अविनाश स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रशिक्षक थे। पहले दिन ही उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व ने कई विद्यार्थियों को आकर्षित किया था। उनमें शगुन भी थी। वो देखती अविनाश जी कितनी अच्छी तरह से समझाते हैं। फाइन आर्ट्स की जटिल से जटिल बारीकियां भी उनकी सुलझी हुई भाषा में बहुत सरल हो जाती। वो उसके बनाए चित्रों की काफी प्रशंसा भी किया करते थे। उनके खुले व्यवहार और दूर देखती आंखों से शगुन काफी प्रभावित हुई थी। कई बार कुछ पूछने पर जब वो उनके पास जाती तो उनकी आत्मीय बातों को सुनकर शगुन का संकोच मिट जाता और इस तरह उन दोनों के बीच एक अनजाना सा रिश्ता कायम होने लगा। गुड मॉर्निंग शगुन, कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। एग्जाम की तैयारियाँ ठीक चल रही हैं? हाँ सर, चल रही है। मैं तो हमेशा मस्ती में रहती हूँ। कॉफी पीने चलें? अभी इस समय थैंक यू। विद्यार्थी और शिक्षक के अलावा अब शगुन और अविनाश, इन दोनों में एक और रिश्ता पनपने लगा था। अविनाश और शगुन अक्सर लाइब्रेरी और कैफे में साथ जाते। ये बात क्लास के अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुंच जाती थी। शगुन की सहेलियों ने तो बाकायदा उसे चिढ़ाना भी शुरू कर दिया था। उसी के साथ अमित भी पढ़ता था, शगुन का दोस्त था। कभी कभी शगुन को लगता अमित उसे चाहता है, पर उसने कभी बात आगे नहीं बढ़ाई थी। यार अमित, तू शगुन को एक बार फिर से जाके समझा, क्योंकि उसके दिमाग में मेरी बातें नहीं घुस रही हैं। वो मुझसे उल्टा लड़ रही है। क्या बोला? मैंने बोला कि ये सही नहीं है, ये मत कर, लेकिन वो नहीं मान रही है। वो सुनने को कुछ बात तैयार ही नहीं है। और कॉलेज में सब लोग बोल रहे हैं, कमला बोल रही थी, दिनेश ने बोला, सबने बोला, पर उसके समझ में नहीं आया। जब अविनाश और शगुन की नजदीकियों के चर्चे होने लगे, तब एक दिन अमित उसके पास आया। सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि अभी भी समय है, क्योंकि ये रिश्ता ना तुम्हें सिर्फ दुख ही देगा। तुम्हें पता है ना अविनाश जी और तुम्हारी उम्र में कितना अंतर है। मैं जानती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ जो इतना भी न समझो। एक बात तुम भी समझो, अविनाश जी मुझे आंसू देखते हैं तो देख, लेकिन अपने आंसू लेकर तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। उस दिन के बाद से अमित ने दोबारा उससे बात नहीं की। वो सामने से आती दिख जाती तो अमित रास्ता बदल लेता। शगुन ये देखकर मुस्कुरा देती। उसे लगता काश अमित समझ पाता कि वो कितनी खुश रहती थी। जब अविनाश उसके साथ होते थे, उम्र में इतना अंतर है तो क्या, अविनाश की बातों और व्यवहार में तो बच्चों जैसी मासूमियत है। वो साल गुजरा और अविनाश जी किसी सेमिनार के सिलसिले में विदेश चले गए। जाते समय शगुन की भीगी आंखों में सीधे देखते हुए उन्होंने कहा था, सिर्फ एक साल की बात है, मैं जब तक लौटूंगा तुम आर्किटेक्ट बन चुकी होगी। अच्छा शगुन, अगर मुझे काम नहीं मिला तो अपनी फर्म में मुझे रख लोगी ना? अविनाश जी की बात पर सर हिलाते हुए वो मुस्कुराने लगी। एक साल बड़ा भारी पड़ गया शगुन पर। शुरू शुरू में तो वो आदतन सुबह अविनाश को फोन करती तो उसे पता लगता कि अविनाश सोने जा रहा है। धीरे धीरे अविनाश की बातें संक्षिप्त तो होने लगी। शगुन भी अब पहले की तरह फोन के लिए उत्सुक नहीं रहती।
उसने अपने भविष्य पर ध्यान देना शुरू किया। इस बीच फिर अमित उसके नजदीक आने लगा। शगुन को अमित की बातें अच्छी लगती। वो दोनों अक्सर समुद्र किनारे बैठकर शाम बिताते, पर अभी भी वो अविनाश से हफ्ते में एक बार फोन पर बात जरूर करती। एक दिन अमित ने उससे शादी की बात की। शगुन बिना कुछ कहे वहां से चली आई। उसने लौटकर अविनाश को फोन किया। वो गुस्से में थी कि उसके और अविनाश के बारे में जानने के बावजूद अमित ऐसा सोच भी कैसे सकता है। उसने अविनाश से सारी बातें बताईं, पर अविनाश का जवाब सुन वो जैसे आसमान से गिरी। सर, आपको नहीं पता मैं आपसे कितना प्यार करती हूं। ओहो, हमारे बीच दोस्ती है शगुन, हमें तुम पर प्राउड है, तुम हमारी एक अच्छी स्टूडेंट हो। ये प्यार भी तुम्हारा है। वैसे भी हमारी शादी को कैंसिल कर नहीं सकता, मैं तुमसे ये प्यार नहीं। दरअसल तुम्हें एक साइंटिस्ट का शौक है, ऐसे लोग अपनी उम्र से बड़ी हो गए अपना जीवन सारा। तुम अमित से मिलो, अपनी उम्र के दूसरी लड़कों से मिलो, मैं उन्हें तुमसे तुमसे ज्यादा पड़ता इसे देखिए। ये कहकर अविनाश ने फोन रख दिया, पर शगुन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस दिन के बाद शगुन कई दिन तक बाहर नहीं निकली। अमित का SMS आया कि वो इंटर्नशिप के लिए एक बड़े आर्टिस्ट के साथ विदेश जा रहा है। साल खत्म होने तक शगुन का कोर्स समाप्त हो चुका था। शगुन के मन से अविनाश की तस्वीर धुंधली पड़ने लगी थी। इसी बीच अमित भी विदेश चला गया। शगुन का मन कभी कभी बहुत विचलित होता तो वो अविनाश की बात याद कर लेती। शायद वो सही कहता था, शायद उसके मन के किसी कोने में बड़ी उम्र वाले व्यक्तियों के लिए आकर्षण रहा होगा। तभी तो वो कभी अमित के नजदीक नहीं जा पाई, और अमित उसके पास आने की कोशिश करके भी आखिर हार ही गया। गलती उसी की थी जो अमित के साथ उसका रिश्ता वहां तक नहीं पहुंच सका जहां एक नई जिंदगी शुरू होती है।